भक्त बंधु और बहनों, आज मैं दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 7 का व्याख्यान करूंगी और जिसके अंतर्गत चंड और मुंड के वच संबंध रखने वाले विषय पर प्रकाश डालूंगी। दुर्गा सप्तशती पाठ आप नवरात्रि के दिनों में सप्तमी, अष्टमी, पंचमी, नवमी के दिन पढ़ा जाना चाहिए और इसके साथ साथ जब आपका मन अशांत के संकट में पड़ जाए या फिर मन घबराने पर, भय उत्पन्न होने पर भी दुर्गा सप्तशती पाठ का पाठन किया जाता है। और इसके अलावा शुक्रवार को, सोमवार को और मंगलवार को दुर्गा सप्तशती पाठ का पाठन करना शुभ माना जाता है। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरांगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिया। हिमालय पर पहुंचकर उसने मुस्कुराती हुई देवी, जो कि सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा, तब अंबिका को उस पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उसका मुख काला पड़ गया, उसकी भुकटियाँ चढ़ गईं और उसके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार था पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड़क धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दसों दिशाओं को पूरित कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारियों, महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों, रथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुख में भयंकर रूप से डालकर चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और कई दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र को मुख में डालकर क्रोध में भरकर अपने दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौद डाला और कितने उसके मारे मार के भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महाप्रक्रमी चंड देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर भयंकर वाणों की वर्षा आरम्भ कर दी और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए वाण तथा चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट होता इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघाओं की घटाओं में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विटक अटहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार उठाकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात कालीचंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चांडिका के पास गई और प्रचंड अटकास से कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है, अब शुंभ और अशुंभ को तुमको स्वयंवध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेके आई हो, अतः संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।